दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मेटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक विजार्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो का नाम है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, ये देखिए, स्टॉक का नाम है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस स्टॉक के बारे में। दोस्तों देखिए, ये मार्केट कैप है इसका 23,965 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस अभी चल रहा है 1,533 रुपये। 52 वीक इसका हाई है 1,650 रुपये और 52 वीक लो है 1,038 रुपये। ठीक है, तो अभी ये लगभग अपने 52 वीक हाई के करीब में ही है। देखिए, इसका बुक वैल्यू है 394 रुपये, स्टॉक का पीई है 20, डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.42%, आरओसी है इसका 11%, आरओई है 20%। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए शानदार है, पिछले 3 साल में 13% की ये सेल्स ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ रही है और फेस वैल्यू है इसका 10 रुपये। और इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो देखिए बहुत ही शानदार चार्ट है और हर टाइम फ्रेम पे ये आपको रिटर्न दिया है आगे चलकर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2007 में ये प्राइस चल रहा था इसका, दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए 2007 में इसका प्राइस कहाँ गया, देखिए 185 रुपये। फिर 8 में अगर हम 10 में देखेंगे 2010 में तो 100 रुपये चल रहा था इसका प्राइस। अगर 2012 में हम लोग देखते हैं तो इसका प्राइस चल रहा था 233 रुपये और देखिए ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ती गई है, आप लोग चेक कर लेना। और देखिए, कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26% ओवर 5 ईयर्स। और देखिए, अपने सेक्टर में ये कंपनी 8वें नंबर पे आती है। देखिए सबसे नीचे है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, वो फर्स्ट नंबर पे है बजाज फाइनेंस, उसके बाद है बजाज फिनसर्व, उसके बाद बजाज होल्डिंग है, AMC है, ये सब है, मुथूट फाइनेंस और चोला मंडलम फाइनेंस। अपने सेक्टर में सबसे छोटी कंपनी है लेकिन इसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कंपनियाँ बड़ी हो जाती हैं वो ग्रो कम कर पाती हैं और छोटी कंपनियाँ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4-5 रुपये वाला स्टॉक ले लो या पेनी शेयर ले लो या स्मॉल कैप के ले लो जो आगे चलकर मल्टीबैगर हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी मिड कैप की कंपनी है, ऑलरेडी ये उस जोन में जा चुकी है जहाँ से लॉस के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अगर ये स्मॉल कैप या पेनी शेयर होता तो मैं बिल्कुल अपने चैनल पर ऐसे शेयर कोई वीडियो नहीं अपलोड करता, लेकिन ये ऑलरेडी मिड कैप में आ चुकी है, 23,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप भी है, इसलिए मैं इसको लेकर आया अपने चैनल पे। तो इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं 2016 से, तो रेवेन्यू हुआ था इसका 2016 में 1100 करोड़ का और अभी देखिए 1800 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। नेट प्रॉफिट था 2016 में 166 करोड़ का और अभी देखिए 292 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम इसका 2007 से देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो रेवेन्यू हुआ था 2007 में 407 करोड़ का, अभी देखिए 7,003 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है इस साल। नेट प्रॉफिट हुआ था इसका 2007 में 31 करोड़ का, अभी देखिए 1100 करोड़ का और इसके प्रॉफिट देखिए हर साल बढ़ रहे हैं, 31 करोड़, 59 करोड़, 43 करोड़, 15 करोड़, 62 करोड़, फिर 173 करोड़, फिर 307 करोड़, 364 करोड़, 435 करोड़, 568 करोड़, 719 करोड़, 974 करोड़ और 1186 करोड़। मतलब कि ये हर टाइम फ्रेम पे इसके प्रॉफिट बढ़ते गए हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर इसका देखते हैं तो पिछले 10 साल में 19% का है, पिछले 5 साल में 16% का और पिछले 3 साल में 13% का। पिछले 10 साल में इसका देखते हैं हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो देखिए 32% का है, पिछले 5 साल में 26% का और पिछले 3 साल में 30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम इसका देखते हैं तो पिछले 10 साल में 16% का है, पिछले 5 साल में 18% और पिछले 3 साल में भी 18% का है। दोस्तों, तो चलिए इसके हम देखते हैं अपने चार्ट पे और कैसा ये है, कहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रही है, कहाँ पे एग्जिट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किस प्राइस पे एंट्री करना है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना है तो आपको किस टाइप पे, किस टाइम पे और किस रेट पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली फ्री इंट्राडे की कॉल्स प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री में बिल्कुल, और शॉर्ट टर्म की भी कॉल्स वहाँ पे डेली अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों, तो चलिए आपको अपने चार्ट पे लेकर चलता हूँ।
देखिए दोस्तों, मैंने इसको अपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे खोल लिया इसका चार्ट, और हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर बनती है अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो। तो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ ये प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये इसका पिछला ब्रेकआउट किया है यहाँ पर, और ये स्टॉक अगर 1500 के अराउंड आपको मिलता है तो यहाँ पर एंट्री करिए। अभी 1532 रुपये का इसका रेट चल रहा है, और 1500 रुपये के आसपास स्टॉक आपको मिलता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। मैं आप लोग को एक लाइन खींच के दिखा देता हूँ जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस प्राइस पे देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस है, और हम इसको सपोर्ट भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है इस स्टॉक्स में। अगर कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो हम उसका चेक करेंगे बिल्कुल कि किस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता है ये स्टॉक। अगर कोई नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, और होगा तो हमको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं 2016 से हम इसको देखते हैं तो लगभग इस वाले ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। ठीक है, देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, दो बार इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट किया है, लेकिन अब इसने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया है यहाँ से लेकर। देखिए यहाँ से ये अपने ट्रेंड को चेंज कर चुका है, और ये वाले ट्रेंड लाइन को ये अब ये फॉलो करेगा, तो अब ये आपका ट्रेंड लाइन हो जाएगा सपोर्ट के लिए। और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है, और ये देखिए कुछ दिन तो इसने इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, ये बड़ी वाली, उसके बाद अब ये इस छोटी वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा स्टॉक बूम करने वाला है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1750 रुपये का। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको करना है एंट्री तो 1500 के अराउंड ये स्टॉक आपको मिलता है तो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसने अभी अभी अपने को अपना पिछला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्राइस पे हमें एंट्री करना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर शॉर्ट टर्म में करना है आप लोग को तो 1500 के नीचे एंट्री करिए, लॉन्ग टर्म में करना है तो भी उसी टाइम पे एंट्री करिए, लेकिन एग्जिट कर दीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो 1750 का वेट करिए टारगेट के लिए, और लॉन्ग टर्म में के लिए आप इसमें एंट्री करते हैं तो बने रहिए, जितना मन करे आपका उतना तब तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके हम लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक का अगर रिव्यू लेकर आता हूँ तो उसके चार्ट भी दिखाता हूँ आप लोग को, उसके मार्केट कैप वगैरह कितना रिटर्न दिया है इसने सब कुछ दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अपने पिटारा पर लेकर चलता हूँ और इसके चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि इसने लॉन्ग टर्म में हमें कितना रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पिटारा पर चोलामंडलम का मैंने चार्ट खोल लिया है, और देखिए इसका रिटर्न हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसने लॉन्ग टर्म में हमें कितना रिटर्न दिया है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कितना रिटर्न आगे मिल सकता है उसके थोड़ा सा चांसेस हो जाते हैं। तो 1 वीक में देखिए इसने 2% के रिटर्न दिया है, और 2 वीक में 13% के काफ़ी शानदार रिटर्न है 2% में, 13% का 2 मंथ में, और 1 मंथ में देखिए 10% का रिटर्न दिया है इसने, और 3 मंथ में देखेंगे तो 24% के रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 16% के रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में 21% का इसने रिटर्न दिया है, 1 साल में 0 है, फ्लैट रहा है, कोई रिटर्न नहीं दिया है 1 साल में, और पिछले 3 साल में देखिए 56% का रिटर्न इसने दे दिया है हमें, पिछले 5 साल में 382% का रिटर्न, काफ़ी शानदार रिटर्न आपके पैसे को लगभग 4 गुना के आसपास किया है, और पिछले 10 साल में देखेंगे तो 2458% के रिटर्न दिया है इसने, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेली लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं अपने चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे रात को, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बज जाए, मैं बिना अपलोड किए सोता नहीं हूँ। अभी देखिए 12:30 बज रहा है, फिर भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसको एडिट करूँगा, फिर इसको बाद अपलोड करूँगा, उसके बाद सोऊँगा। तो दोस्तों आपके लिए मैं सारी इतनी अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक लेकर आता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।